हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव नारी में। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिव नारी में। फ्रेंड, आज हम दो कलर का स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये डिज़ाइन बच्चों के स्वेटर, बेबी फ्रॉक, ब्लाउज, कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आप जब भी फंदा लीजिएगा तो 4 के मल्टीपल में फंदा लीजिएगा ताकि आपका डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो हम तो यहाँ पर सीधा वाला डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप अपना मनपसंद डिज़ाइन दीजिएगा बॉर्डर में, उसके बाद आप बनाइएगा। चलिए हम डिज़ाइन को शुरू कर रहे हैं। तो ये सीधा साइड से है, सीधा साइड से हम सीधा तरफ से हम देखिए इसमें दूसरा कलर को लगाएंगे। दूसरा कलर लगाएंगे तो हम एक फंदा को सीधा बुन लिए हैं। एक फंदा सीधा बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ एक एक दो तीन, ये तीन फंदा है तो तीन फंदा को हम यहाँ से इस तरह ऐसे लेंगे। ठीक, देखिए ऐसे लेंगे और इसमें हम बनाएंगे एक और फंदा को हम आगे करेंगे और दूसरा फंदा हम इसी में से इसको हम स्लिप नहीं करेंगे, दूसरा फंदा हम इसी में ऐसे लेंगे। तो देखिए यहाँ तीन फंदा बन गया है। फिर हम एक फंदा को यहाँ सीधा बुन लेंगे। ठीक, फिर हम यहाँ एक दो तीन, ये तीन फंदा है। अब तीन फंदा को हम इस तरह से ऐसे ऐसे लाएंगे और आप जब भी बनाइएगा तो थोड़ा लूज बनाइएगा ताकि आपको डिजाइन बनाने में दिक्कत ना हो। ये फंदा के हम आगे करेंगे और इसको स्लिप नहीं किए हैं। फिर हम इसी में से इसी होल से हम देखिए तीन का तीन फंदा बन गया है। फिर एक फंदा को हम सीधा बुन लेंगे। फिर बचा यहाँ एक दो तीन। अब तीन फंदा को हम इस तरह से एक फंदा आगे और दूसरा हम यहीं से ऐसे फंदा लेंगे। तो फंदा जो हम आगे करते हैं उसी का एक फंदा ये बन जाता है। फिर एक फंदा को हम सीधा बुन लेंगे। अब उल्टा साइड से देखिए, उल्टा साइड से हम इसको फर्स्ट वाले को स्लिप करेंगे, फिर हम यहाँ से इसको उल्टा बुन रहे हैं। उल्टा साइड से पूरी सिलाई हम उल्टा बुनेंगे। देखिए ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये डिजाइन और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये डिजाइन बनने के बाद। अब बना कर तो देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये डिजाइन। अब
अब इसके बाद दो सिलाई हम बना लिए हैं, एक डिजाइन मेरा बन गया है। अब दूसरा डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, अब हम फिर दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले को हम बुन लेंगे, और ये तीन फंदा जो बनाए हुए हैं, देखिए ये तीन फंदा है ना, तो तीन फंदा में हम दो और एक तीन बुन लिए, क्योंकि एक हम पहले से स्लिप किए हुए हैं, दो इसमें से लिए हैं, और एक बीच में जो हम बनाए थे एक फंदा सीधा वो बीच में है, और दोनों साइड से एक एक फंदा लेकर फिर हम यहाँ से इस तरह से डिजाइन को बनाएंगे। ये दूसरा डिजाइन बन रहा है, देखिए इसी जैसे हम पहले बनाए हैं सेम उसी डिजाइन को रिपीट करना है। फिर हम देखिए तीन था, तीन के बीच वाला जो है इसको हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फिर एक दो तीन, तीन फंदा को हम इस तरह से ऐसे एक फिर फंदा हम आगे करेंगे, फिर दूसरा फंदा हम यहाँ से ऐसे तो तीन बन गया है, और लास्ट में फिर तीन बचा है तो तीन को हम सीधा बुन लेंगे इसको। उल्टा साइड से हम उल्टा साइड से इसको हम पूरी सिलाई उल्टा बुन लेंगे, इसको पूरी सिलाई उल्टा बना लीजिएगा। ये दो डिजाइन बन गया है दोस्तों, और इसके आगे आप जब भी बनाइएगा तो दूसरा कलर फिर लगाइएगा, और जैसे हम फर्स्ट में बताए हैं उसी तरह से आप रिपीट करते रहिएगा, आपका डिजाइन बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। देखिए ये डिजाइन पूरा इस तरह से इसे तिरछा तिरछा जाता है। तो ये डिजाइन बनने के बाद देखिए कैसा लग रहा है ये डिजाइन। देखिए ये डिजाइन पूरा तिरछा तिरछा इस तरह से पूरा तिरछा तिरछा जा रहा है ये डिजाइन इस तरह से। बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एक बार बना कर देखिएगा। ये डिजाइन दोस्तों आपको पसंद आएगा, और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ फिर नए डिज़ाइन के साथ नए वीडियो में।